गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नाइन्थ क्लास चैप्टर 6 कंप्लीट किया था। आज हम नाइन्थ क्लास चैप्टर 7 प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का मतलब होता है दो सर्वांगसम आकृतियों का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर, यदि हम एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को पूरा पूरा कवर्ड कर लें, वो आपकी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ कॉन्ग्रुएंस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला आपका जो दो रहता है वो रहता है SAS, मतलब इसमें आपको दो ट्रायंगल दिए होंगे और दोनों ट्रायंगलों में आपको पहले वाले ट्रायंगल की साइड दूसरे वाले ट्रायंगल की साइड के ठीक इक्वल एंड फर्स्ट वाले ट्रायंगल का एक एंगल सेकंड वाले एंगल के सेकंड एंगल के और थर्ड फर्स्ट वाले एंगल की थर्ड साइड सेकंड वाले एंगल की थर्ड साइड के ठीक इक्वल हो तो उसे हम बोलेंगे SAS कॉन्ग्रुएंस लो। ठीक इसी प्रकार से सेकंड नंबर का जो है वो है आपका ASA, मतलब फर्स्ट वाले ट्रायंगल की दो एंगल और एक साइड सेकंड वाले ट्रायंगल की दो एंगल और एक साइड के ठीक इक्वल होना चाहिए, तो वो आपका होता है SAS कॉन्ग्रुएंस लॉ। थर्ड आपका होता है AAS, मतलब फर्स्ट वाले ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड सेकंड वाले ट्रायंगल के दो एंगल और वन साइड के ठीक इक्वल हो तो उसको हम AAS कॉन्ग्रुएंस लॉ बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका फोर्थ रूल्स में आपकी फर्स्ट वाले ट्रायंगल की तीनों साइडें ठीक सेकंड वाले ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं SSS कॉन्ग्रुएंस लॉ। फिफ्थ नंबर का जो आपका है ये आपका है RHS, यानी हाइपोटेनस राइट हैंड हाइपोटेनस ट्रायंगल। यहाँ पे राइट हैंड हाइपोटेनस साइड ये पढ़ेंगे, इसमें मतलब एक आपका जो एंगल रहता है वो राइट एंगल रहता है और एक जो साइड रहती है वो आपकी हाइपोटेनस से निकट रहती है और एक जो साइड रहती है वो आपकी बेस लंब रहती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस लॉ। इस प्रकार से कॉन्ग्रुएंस को हमने समझा। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है दो सर्वांगसम आकृतियां, मतलब अगर हम एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करें रखें तो वो एक दूसरे को पूरा पूरा कवर्ड कर लें तो वो होती है आपकी कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, जैसे हमारी दो हथेली है, दोनों हथेलियों को अगर हम ऐसे रखेंगे तो दूर से देखने में ऐसा लगेगा जैसे एक ही हो। ठीक है, जैसे हम जीरोक्स करवाते हैं, किसी कॉपी की जीरोक्स करवाते हैं तो उसका बिल्कुल फॉन्ट, मतलब जो लेटर मूल कॉपी पे आपके हैं, मेन कॉपी पे जो लेटर लिखे हुए हैं, ठीक वही लेटर आपके जीरोक्स कॉपी पे आएंगे तो उसको हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। आज इस एक्सरसाइज का इस चैप्टर का ये आपका चैप्टर है 7, गलती हुई माफ करना, ये 7 चैप्टर है। 7 चैप्टर में हमें कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है। ठीक है, गलती से यहाँ पे 9 चैप्टर लिख दिया गया था, इसको करेक्शन करके हमने चैप्टर 7 किया है। अब 7 एक्सरसाइज 7.1 के कुछ सवाल हम लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका, आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है अपनी बुक में से रीड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह कंजेस्टेड है इसलिए हमने क्वेश्चन राइट नहीं किया है, तो क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से बुक से रीड करें। उसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है, क्या प्रूफ डेट करना है,
ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में मिलेंगी। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले वाले क्वेश्चन में फिगर भी इसका ड्रॉ है, तो फिगर आपको यहाँ पे बना हुआ है। इसमें आपको दिया है ए बी बराबर सी डी एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, मतलब ए बी और सी डी यहाँ पे आपको दोनों बराबर दिए हुए हैं, ए बी बराबर सी डी, ये इस प्रकार के निशान आपको पहले से लगे हुए मिलेंगे। तो ये आपको दिया हुआ है एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए बी, ए बी आपका ये है और बाइसेक्ट किसको करता है, एंगल ए को, तो ए बी बाइसेक्ट एंगल ए। उसके बाद आपको प्रूफ देट करना है ट्रायंगल ए बी सी बराबर है और सर्वांशम है, इसको हम कॉन्ग्रुएंस सिंबल्स बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस सिंबल्स ये होता है आपका, ठीक है। तो ये सर्वांशम करना है, मतलब इसको उठा के इसके ऊपर या इसको यहाँ से मोड़कर इसके ऊपर आपको रखना है, तो कौन सा पार्ट किसके ऊपर आएगा, कौन सा पार्ट किसके ऊपर आएगा, ये हमें प्रूफ देख करके इसमें बताना होता है। तो इसमें हमें थ्री पार्ट प्रूफ देट करना पड़ते हैं, थ्री पार्ट दिखाना पड़ते हैं, और किस रीजन से आपने प्रूफ देट की है वो रीजन आपको लिखना पड़ता है। कुछ आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं, कुछ आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है इसमें। तो यहाँ पे हमें देखो, ये पहले हमने ये दोनों त्रिभुज लिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ए बी डी, तो दोनों ट्रायंगल हमने लिए, ए सी बराबर ए डी, ये आपको पहले से गिवन दिया हुआ था, तो ए बी बराबर सॉरी ए सी बराबर ए डी, ये हम इसमें लिख देंगे गिवन दिया है। उसके बाद सेकंड नंबर का जो आपको दिया है ए बी इक्वल ए बी, अब ये इसमें नहीं दिया था, तो ये हमें अपना इसमें दिमाग लगाना है कि ये किस नियम के, मतलब जब आपने ऊपर वाला लिया और नीचे वाला, तो ए बी ए बी दोनों में आया है, ए बी आपका दोनों में आया है, मतलब जैसे हम कोई खेल खेलते हैं, कोई खेल खेलते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी हो जाता है, तो वो खिलाड़ी आपका इस टीम में भी खेलेगा और इस टीम में भी खेलेगा, तो उसका मतलब है कि वो आपका कॉमन है, कॉमन है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे ए बी बराबर ए बी, ये आपका कॉमन हो गया। उसके बाद एंगल ए बराबर एंगल ए, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्वेश्चन में आपको दिया था एंड ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी ए बी बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल ए को, बाइसेक्ट का मतलब होता है समान दो पार्ट, सम द्विभाजक, समान दो पार्ट, इसको हम लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल ए, तो ये हो गया। अब इसमें देखो, ये आपकी साइड हो गई, ये आपकी साइड हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, ये आपका एंगल हो गया, मतलब कौन सा रूट्स लग गया, इसको हमें इस नंबर पे लिखना पड़ेगा, सेकंड नंबर पे, तो ये हो जाएगा आपका एस ए एस कॉन्ग्रुएंस लॉ, एस ए एस कॉन्ग्रुएंस लॉ, मतलब तीन पार्ट इसमें हमने बता दिए हैं कि कौन सा पार्ट किसके बराबर है। एक ट्रायंगल के अंदर तीन ही पार्ट होते हैं, तीन साइडें होती हैं, तीन एंगल होते हैं, और तीनों पार्ट इसमें हमने सर्वांशम करके लिख दिए हैं, कॉन्ग्रुएंस करके लिख दिए हैं, इसलिए आपका ट्रायंगल ए बी सी बराबर है और सर्वांशम होगा ट्रायंगल ए बी डी। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये है और इसका फिगर आपका ये बना हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाले का फिगर था, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले का फिगर है। इस फिगर को आप ध्यान से देखेंगे और इसका क्वेश्चन जो है वो आप बुक से रीड करेंगे, क्वेश्चन पढ़ने से आपको सारा फिगर और सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं गिवन दैट ए बी बराबर बी सी, तो ए बी बराबर ए बी गिवन में ये आपको दिया हुआ है, ए बी बराबर ए बी कहाँ है, ए बी आपका सॉरी ए बी बराबर नहीं होगा, यहाँ पे ए डी बराबर होगा आपका बी सी, ये जो निशान लगे हुए हैं
वो आपको पहले से इक्वल दिए हुए हैं, तो AD बराबर BC ये आपको गिवन है। उसके बाद एंगल A एंगल B जिस जो बीच में लिखा होता है उस पे हम एंगल मानते हैं, तो एंगल A बराबर है एंगल BK, ये एंगल A बराबर है एंगल BK। उसके बाद प्रूफ दैट में आपको ये 3 कंडीशन जो है वो आपको प्रूफ दैट करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो फर्स्ट वाली कंडीशन पहले हम प्रूफ दैट करेंगे, तो इसमें देखेंगे ट्रायंगल ABD बराबर है और समांतर है ट्रायंगल ABC, तो इसको लेंगे हम। इसमें देखेंगे कि आपके कौन कौन से पार्ट इक्वल है, पहले AD बराबर BC, ABD और ABC ये दोनों लिए है, तो AD बराबर आपको BC ये आपको पहले से गिवन है। उसके बाद एंगल A बराबर एंगल B ये भी आपको गिवन है। उसके बाद AB बराबर AD, AB बराबर AD, अब AB बराबर AD ये आपका कॉमन हो रहा है, दोनों ट्रायंगलों में आ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे कॉमन है, तो इसमें आपका लग जाएगा SAS कॉन्ग्रुएंस लॉ। उसके बाद अब ट्रायंगल के अंदर 3 पार्ट होते हैं, 3 एंगल होते हैं, 3 साइडें होती हैं, तो 3 पार्ट हमने सर्वांगसम कर दिए हैं। इसका मतलब है कि इसको हमें उठा के इसके ऊपर रखना है या इसको इसके ऊपर, तो ये एक दूसरे को कवर कर लेंगे पूरा, तो ये आपके हो जाएंगे सर्वांगसम, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। इस प्रकार से आपकी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। आप इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन को आप अपनी बुक में से रीड करेंगे, यहाँ पे जगह कंजेस्टेड होने की वजह से हमने क्वेश्चन राइट नहीं किया है, इसका फिगर भी बुक में ड्रॉ है, तो फिगर इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन में आपको दिया है AD बराबर BC, AD ये लिखा हुआ है, AD बराबर, ये निशान पहले से लगे हुए हैं, तो AD बराबर आपका हो जाएगा BC। प्रूफ दैट में आपको करना है CD बाईसेक्ट AB, CD बाईसेक्ट को, CD बाईसेक्ट करती है AB को, यानी CD आपकी ये है और AB को बाईसेक्ट करती है, मतलब समान दो टुकड़े इसके होते हैं। प्रूफ आप प्रूफ करेंगे, प्रूफ मतलब यहाँ से आपका सवाल जो है स्टार्ट होता है, तो इसमें 2 ट्रायंगल लेंगे, एक आपका फर्स्ट वाला ये है और सेकंड वाला ये है, कोई सा भी ले सकते हैं। तो AOD एंड BOC इन दोनों में जब हमने लिया, तो आपको पहले से क्या क्या दिया हुआ है, पहले से जो आपको दे दिया है वो तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद आपके जो कंसेप्ट हैं उन कंसेप्टों को देखते हुए एक या दो चीज़ें अपने मन से लिखना पड़ती हैं, तो इसमें आपको BC बराबर AD ये आपको दिया हुआ था, और एक आपको एंगल इसमें परपेंडिकुलर दिया हुआ है, एंगल B और एंगल A ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल A बराबर एंगल B, ये आपका राइट एंगल है। उसके बाद AOD एक एंगल आपका ये हो गया AOD मतलब O वाला, ठीक है, और एक हो गया आपका BOC ये वाला सामने वाला, तो ये आमने सामने वाले एंगल हो गए, मतलब अपोजिट हो गए, तो इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो इसको हम एक और रह गया आपका AD बराबर BC, ये भी आपको दिया हुआ था, तो 3 इसमें कंडीशन जो है वो हमने प्रूव कर दी। इसके बाद आपका जो एंगल जो लॉ लगेगा वो AAS कॉन्ग्रुएंस लॉ। इसके बाद जो ट्रायंगल आपको सिद्ध करना था वो सिद्ध कर दिया, कॉन्ग्रुएंस करके लिख दिया, अब आपके 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर किसी प्रकार की परेशानी है तो आप विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। थैंक्स।